चलते हैं बाइक पे और देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है, वीडियो क्वालिटी। वैसे इमेज स्टेबिलाईजेशन है वो भी ऑफ है। कोई ऐसा कुछ व्यू आ रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, देखो दिख रहा है। तो मैं ऐसे बाइक चलाऊंगा तो आपको ऐसे दिखने वाला। गुजराती में भी एक व्लॉग बनाना चाहिए, वैसे मजा आएगा। केम छो गाइज, मजा मा, वेलकम छे हमारी चैनल ऊपर नवा वीडियो मा। हे गाइज, दिस इज जय सियालिया। टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो ये रहा हमारा हेलमेट, ये रहा हमारा कैमरा, वैसे कैमरा का बॉक्स है, कैमरा यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है। एरा कैमरा। सो पहले आपको हेलमेट दिखाता हूँ। वैसे आपने देखा ही होगा जिस हेलमेट के लिए हम कम से कम 4 से 5 दिन तक घूमे थे। सो ये रहा हमारा प्यारा सा मस्त सा हेलमेट। सो इसके ऊपर हम करने वाले हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप, जो कि यहाँ पे हम अपना कैमरा लगाएंगे। हो जाएगा, देखो छोटी सी नीचे से जो जगह बच रही है वहाँ पे हम शील्ड लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका जो आगे का पार्ट है ना वो इस तरीके से ऐसा है, नैरो टाइप में, वैसा राउंड वाला नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो ये रही हमारी एमसील, एक काली, एक ब्लैक और एक रेड, दोनों को मिक्स करते हैं और बाद में चिपका देते हैं। तो देखो लगा तो दी है, बट अभी सूखने देंगे, बाकी का जो साइड में रहेगा उसको साफ कर देंगे ताकि सब वाइट वाइट ना दिखे। हेलमेट में यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया और मेरे हाथ देखो कैसे हो चुके हैं एमसील की वजह से, वाइट वाइट हो चुका है सारा नाखून पे, यहाँ पर देखो मेरा। देखो यहाँ पे माइक लगाया है, यहाँ से वायर ऐसे करके पूरे हेलमेट में घुमाकर इस तरफ जो लास्ट वाला जो पॉइंट है जो हमें कैमरे में ये वाला जैक लगाना है उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो ऐसे करके अभी जो सारा स्पंज था उसको वापस से फिट कर देते हैं। सो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है और अभी जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है हमारे एक्सटर्नल माइक से। इग्नोर करना मेरे ब्रश को यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पे मिरर में देखने के लिए आया था कैसा दिख रहा है। सो दिख तो अच्छा रहा है और वॉइस पता नहीं कैसी आ रही है, अंदर गर्मी हो रही है भाई। एक तो चलते हैं बाइक पे और देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है, वीडियो क्वालिटी। वैसे इमेज स्टेबिलाईजेशन है वो भी ऑफ है। सो देखो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, देखो दिख रहा है। तो मैं ऐसे बाइक चलाऊंगा तो आपको ऐसे दिखने वाला है। सो व्यू तो सही आ रहा है, बट अभी चेक करते हैं बाहर जाकर बाइक को ऑन करते हैं और मोबाइल बंद करता हूँ पहले तो मैं करते हैं बंद। गणपति बप्पा मौर्य, राधे राधे, जय माता जी, लेट्स गो। फर्स्ट टाइम अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप चेक कर रहे अभी, मतलब थोड़ा सा बाइक को भगा रहा हूँ ताकि हमें आवाज़ पता चल पाए कि ज़्यादा वॉइस आ रही है तो, मतलब कि ज़्यादा नॉइस आएगी बैकग्राउंड तो आवाज़ कैसी आती है। सो मेरे घर के पीछे के साइड का एरिया है जहाँ पर पूरे खेती खेते और रास्ता खाली होगा, तो वहीं पे चलते। अभी नवरात्रि थी ना तो सारे फार्म में मतलब डेकोरेशन वगैरह अभी भी है, निकला नहीं है देखो कुछ भी। और ये वाला रास्ता मतलब ऐसे ही खाली रहता है रात को, मतलब कि लोग चलने के लिए आते हैं, हम भी आते हैं इधर वॉकिंग करने के लिए। सो बताना आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, मुझे भी नहीं पता, भी मैंने भी चेक नहीं किया कुछ भी। और रास्ते थोड़े से ख़राब है बिकॉज़ यहाँ पर मिट्टी वगैरह पड़ी है, काम चालू है ना सब, बिल्डिंग का, नई नई बिल्डिंगें बन रही है। ये देखो भाई क्या ही मस्त नज़ारा है। भाई यहाँ से कैमरा गिर जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कैमरा मुझे दिख ही नहीं रहा है हेलमेट से, क्योंकि एग्जैक्ट नीचे की साइड में है मेरे चिन के। सो इधर से जाते हैं वापस घूम के आ जाएंगे। मुझे गुजराती में भी एक व्लॉग बनाना चाहिए, वैसे मज़ा आएगा। केम छो गाइज, मजा माँ, वेलकम छे हमारी चैनल ऊपर नवा वीडियो माँ। जैसे कि थोड़ा बहुत उधर उधर बोल देता हूँ बिकॉज गुजराती में व्लॉग करने की मतलब आदत सी नहीं है ना, इसीलिए। सो गाइस आगर बम फावर ही रही हो छे अने
बूम, सभी स्कूल का टाइम है तो बच्चे लोग छूट रहे हैं स्कूल से। यहाँ से लेके हम लेफ्ट, मेन रोड पर नहीं जाएंगे, यहीं से वापस हम घर की साइड चले जाएंगे। तो देखो जो सामने रास्ता जा रहा है वो एग्जैक्ट मेन रोड पर निकल जाएगा और हमें जाना है हमारे घर की तरफ वापस, तो यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे। मैं अभी खाना खा के आया हूँ, डकारे मार रहा हूँ मैं। ओके, और देखो यहाँ पर है मॉल जिसमें हम शॉपिंग करने आते हैं, डीमार्ट, अपने लेफ्ट साइड में, इधर की साइड में। देखो ये रहा, अभी एकदम ट्रैफिक कुछ है ही नहीं, देखो थोड़ी बहुत बाइक है। और यहाँ पर एक नया मॉल बना है, मतलब कि पहले फार्म था, उधर अभी सिनेजा बना है, सिनेजा यानी कि मूवी थिएटर, और नीचे स्टूडियो है, तो स्टूडियो में भी आएंगे कभी, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग करनी है, तो देखते हैं क्या खरीदते। देखो ये रहा स्टूडियो, पहले यहाँ पे फार्म था बट अभी सिनेजा हो चुका है। सो यही थी हमारी पहली राइड हमारे कैमरा के साथ में, और ये रही अपनी पुरानी वाली बाइक जिसको हमने साफ ही नहीं किया, चलाया ही नहीं है कितने दिनों से। अगर इस वाली बाइक का मॉडिफिकेशन चाहते हो तो चैनल पे मतलब 10,000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट होंगे तब हम इसका कुछ करेंगे, क्योंकि अभी मैं इसको चलाता नहीं हूँ ना इसीलिए। सो देखो ऐसा कुछ सेटअप था और ऐसी कुछ वॉइस थी एक्सटर्नल माइक से। सो बताना आपको कैसा लगा। वैसे अभी घर पे चलते हो और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।